हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू बीबाज वर्ल्ड। मैं हूँ वैशाखी। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आई क्रिएटेड दिस इजी वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक फॉर बिगिनर्स। होप आपको ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बहुत ही इजी सा है। तो चलिए फ्रेंड, ना देरी करते हुए ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड, मैं मेरे फेस को सिर्फ क्लीन किया है, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये कामा आयुर्वेदा की प्योर रोज़ वाटर। और ये बहुत ही एक अच्छा टोनर के हिसाब से काम करता है और मैं इसको हैंड से स्प्रेड कर रही हूँ। इसके बाद मैं 5 मिनट के लिए वेट करूँगी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र और ये मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेकअप शुरू करने से पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये इन साइड की प्राइमर। ये प्राइमर जेल बेस्ड प्राइमर है फ्रेंड। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सभी स्किन इसको यूज़ कर सकते हो। और जहाँ जहाँ पर मेरी पोर्स हैं वहाँ वहाँ पर मैं ये प्राइमर को यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई एम्स्टरड्रम की ये ऑरेंज करेक्टर। मेरे जहाँ जहाँ पर भी थोड़ा सा पिगमेंटेशन है मैं उस एरिया पर इसको यूज़ कर रही हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको टैबिंग मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। मैं फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ ये मेबलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन एक फुल कवरेज फाउंडेशन है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा है। आप इसको मीडियम कवरेज के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हो और मैं इसको पूरे फेस में ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैबिंग मोशन में ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। बाद मेरे फेस को थोड़ा सा हाइलाइटेड इफेक्ट देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फिट मी कंसीलर और शेड है मीडियम। जो जो एरिया पर मुझे थोड़ा सा हाइलाइटेड इफेक्ट चाहिए उस एरिया पर मैं इसको अप्लाई करने के बाद मैं एक ब्रश से इसको ब्लेंड कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से। इसको अप्लाई करने के बाद ये क्रीज ना करे तो इसीलिए मैं इसको पाउडर से सेट कर दे रही हूँ। और जिस जिस एरिया पर मुझे बहुत ही ऑयलीनेस आ जाती है उस एरिया पर मैं पाउडर से सेट कर रही हूँ। मेरे नोज़ के अराउंड पर, मेरे माउथ के अराउंड पर भी बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। उसके बाद ये फोकल लेयर की कंट्रोल स्टिक से मैं मेरे फेस पे कंट्रोल कर रही हूँ, जॉ लाइन पर भी कंट्रोल कर रही हूँ, नोज़ को भी कर रही हूँ, फोरहेड जहाँ जहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए, और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और ये ब्लेंड बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और कंटूर के नीचे पर मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, मेरी कंटूर थोड़ा सा साफ दिखे। और मैं लिप बाम लगा रही हूँ, लिप भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाए इसलिए। उसके बाद ये मेबलिन के आईब्रो पेंसिल से मैं मेरे आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ। मेरी जहाँ जहाँ पर थोड़ी सी गैप है आईब्रो को, मैं उस एरिया को जस्ट फिल कर रही हूँ और एक स्पूली से मैं कॉम कर रही हूँ। उसके बाद मेरे आईब्रो को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए मैं आईब्रो को नीचे पर और आईब्रो के थोड़ा सा ऊपर पर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आई लिड पर भी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ मेरे जो आई शैडो को बेस के लिए। थोड़ा सा पाउडर के साथ मैं इसको सेट कर दे रही हूँ। वेट एंड वाइल्ड की इस आई शैडो पैलेट से मैं ये कलर को लेकर मेरे क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से मैं क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ और मेरे आउटर कॉर्नर पे भी यही कलर लेके मैं आउटर डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद ये कलर लेके मैं ट्रांजिशन कलर के लिए इसको अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर से मैं क्रीज कलर को लेके क्रीज कलर को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करती रहूँगी। अब मैं फोकल ईयर की ये पैलेट में से ये सिमरी से सेट लेके मैं पूरे लिड पर उसको अप्लाई करूँगी मेरे फिंगर की मदद से। उसके बाद फिर से मैंने इस क्रीज कलर को लेके अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ और फिर से यही कलर लेके मैं आउटर कॉर्नर को भी थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। और मैं मेबलिन की ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर के साथ मेरे ब्राउन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। मैं की एब्सोल्यूट साइन लाइन आईलाइनर के साथ मैं एक लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ही सुंदर सा मैं विंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। देन लेस कर्लर की हेल्प से मैं मेरे लैसेस को कर्ल कर रही हूँ। और मैं मस्कारा के लिए ये मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है फ्रेंड, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर जो जो आई शेडो मैंने लिड पर अप्लाई किए थे वही आई शेडो लेकर मैं यूज़ कर रही हूँ। देन ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निका क्रिकेट डुआ ब्लश। ये ब्लश बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पिगमेंटेड है। फिर से मैं मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर को लेकर मैं जहाँ जहाँ पर हाइलाइटेड करना चाहती हूँ उस एरिया पर मैं हाइलाइटेड कर रही हूँ, मेरे नोज़ पे, मेरे चीक्स पे, मेरे क्यूपिड्स पो पे, फोरहेड पर। इन्हें अप्लाई लिपस्टिक और ये लिपस्टिक के कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये है मेबलिन सुपरस्टे मैट इंक के शेड हैं सीकर। और लास्टली मैं लैक्मी ये काजल को लेकर मैं थोड़ा सा मैं लोअर लैश लाइन पर काजल को ड्रॉ कर दे रही हूँ। देन लास्टली मैं यूज़ कर रही हूँ ये मास्क की सेटिंग्स पे मेरे पूरे फेस पर। देन आई अप्लाइड सम फॉल्सीज और हो गया ये मेरा मेकअप लुक। बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सटल और सिंपल हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये मेकअप लुक, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता। ऐसे ही सुंदर सुंदर मेकअप लुक के लिए और अदर्स वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब आइकन के पास जो एक बेल है उसको ज़रूर दबा देना, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। लाइक करते हो तो फ्रेंड बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को आप सभी फ्रेंड फैमिली सभी के साथ शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहना, हैप्पी रहना, मुस्कुराते रहना। बाय।